फिर आपने कभी चावल की रोटी बनाई है? नहीं, कभी भी नहीं। कैसे बनती है? अपने देखें, एक बात होती है, अपने घर में हर कोई माहिर होता है। मैं अपने तवे पे, ये बहुत छोटा है, सो लेट मी ट्राई। ये चावल का तुमने आटा भिगोया पानी में? नहीं, भिगोया नहीं है, इसको ऐसे बना लेना है। ये ऐसे कैसे बनाया बहन, कुछ तो बताओ। चावल के आटे में पानी डालना है, नमक और मिर्ची, मिर्ची आपकी मर्जी है। हाँ, दुपट्टा संभालो तवे पे ना लगे। मैं तरफ, मैं कर दूँ उस तरफ? हाँ कर दें आप। थैंक यू। अच्छा ठीक है, ये देखें आप, चावल के आटे में तुमने पानी नमक मिर्च विर्च डाल दिए। हाँ, और उसको गूंदना नहीं है, उसको ऐसे पतला पतला, इतना पतला पतला बनाना है, जैसे पैनकेक्स के लिए बनाते हैं। पैनकेक्स के लिए बनाते हैं। अच्छा, अब पैनकेक्स जो होते हैं ना, थोड़े मोटे होते हैं। ये तो पतला पतला होगा, बिल्कुल ये पतला पतला होगा। हाँ। लेकिन अब इसमें ना थोड़ी ट्रिक की जरूरत है, क्योंकि लोगों से ना ये टूट जाता है। तो पहले आप इसको, मैं तेल डाल के हल्का सा, हाथ से कर रही हो? हाँ जी, आपको ट्रिक की, ये थोड़ा सा होता है कि लोगों से, तो हाथ ही जल रहा तुम्हारा? नहीं, ये मुझसे सही नहीं बना है। हाँ। ये बहुत बुरा बना है, लिटरली गोल बनता होगा ना ये, बहुत गोल बनता तुम्हारा है। तवा वो होगा तुम्हारे तवे पे। एग्जैक्टली, मेरा तवा अलग है और उस पर ऐसे करके बनता है। लेकिन आप इसको हाथ से करें, इट्स कोई जलता नहीं है हाथ। अच्छा, हाथ से गोल बना सकते हैं। हाँ, अभी मैं इसको पलटूंगी तो आप देखेंगे। हाँ सही है। हाँ, लेकिन आपने पहले तवे पे, चाहे वो नॉन स्टिकी क्यों ना हो, आपने थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेनी है। ठीक है, ऑयलिंग इज गुड, कि वो चावल की रोटी है ना, तो वो चावल काटे चिपकेगा, चिपकेगा नहीं। सही है, ठीक है। चलिए जी, साथ साथ हम ये भी शूट कर रहे हैं कि ये कैसे कोशिश की थी इसने कि गोल बने, लेकिन वो गोली, तवा छोटा है, इसके लिए तवा बड़ा चाहिए होता है। यस, इसलिए बट इट्स ओके। अच्छा, आपने हल्के हल्के पहले किनारे चेक करने हैं कि किनारे बन गए या नहीं। हाँ, अब इसको हम पलटेंगे? नहीं, अभी नहीं पलटेंगे, अभी नहीं पलटेंगे, थोड़ा अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, सेट होने में चावल का आटा, क्योंकि ये बहुत लिक्विडी होता है। अच्छा, तो अब वो सेट हो जाएगा जब हम चेक करेंगे साइडें, अगर पक गई उसके बाद पलटोगी, पलटेंगे।